सब्सक्राइब कीजिए माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन बटन पे नई अपडेट्स पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय स्मार्ट क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और देखेंगे उसकी थियोरी और एप्लीकेशंस के बारे में। तो मैं हूं डॉक्टर नीलेश वाला और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट क्लास, लर्न स्मार्टली। चलिए शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बारे में हमने पहले लेक्चर दिया है। तो मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, सो व्हेन मैटर डील्स विथ रेडिएशन, और ये जो स्टडी जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेनली हम 1H NMR और 13C NMR करते हैं, और साथ साथ में अगर आप रिसर्च में हो तो आपको शायद 2D NMR के बारे में पता होगा। तो एज यू नो कि हमने पहले वीडियो बना चुके हैं 13C NMR पे, बराबर। और आज हम करने वाले हैं बात proton NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अगर आपको नहीं पता है कि ये वीडियो हमने 13C NMR के रखे हैं तो आप हमारी चैनल पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे देखो अवेलेबल हो गए सबके सब वो वीडियो। जैसा आप देख रहे हाउ टू कैलकुलेट 13C NMR से, वो टोटल 5 पार्ट में है और उसके साथ depth NMR का भी हमने रखा हुआ है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है और जो भी मोलिक्यूल होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड हो जाते हैं और उसके ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाइड होती है। तो क्या होगा कि जो वो मोलिक्यूल है वो लाइट रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्सॉर्ब करेंगे और उसका ट्रांजिशंस होगा, मीन्स उसके अंदर रेजोनेंस होगा। तो इसी वजह से ये क्या है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। देखो जैसे कि लिखा है कि अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ मोलिक्यूल एब्सॉर्ब द रेडियो फ्रिक्वेंसी। जो पहले के NMR इंस्ट्रूमेंट आते थे उनमें परमानेंट मैग्नेट होता था, लेकिन अब क्या होता है कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़िया होता है, नियर अबाउट 2.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, 5 टेस्ला, वहाँ तक हम जा सकते हैं, और वो परमानेंट मैग्नेट से पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से होता है। तो देखो कि वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मोलिक्यूल कैन एब्सॉर्ब द रेडियो फ्रिक्वेंसी। अ प्लॉट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एब्सॉर्प्शन पीक्स वर्सेज द इंटेंसिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ NMR स्पेक्ट्रम। मीन्स आपको NMR स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगा, तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्सॉर्ब हुई है उसकी वैल्यू और उसकी इंटेंसिटी, तो वही क्या होता है हमारे लिए NMR स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई भी स्पिनिंग एटम होगा, न्यूक्लियस होगा, तो उसके क्या होंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल के जैसे बिहेव करेगा। तो देखो ये उसकी ऑर्बिट पे ऐसे घूमता है, तो उसकी वजह से उसका क्या होगा, उसको स्पिन क्वांटम नंबर होगा। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू के 3 पॉसिबल वे है, एक तो हाफ इंटीजर, इंटीजर और जीरो, और वो डिपेंडेड होता है उस न्यूक्लियस के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे। एज एन एग्जांपल, जिस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास ऑड हो और एटॉमिक नंबर ऑड और इवन दोनों में से कोई भी हो, लाइक 1H 6C 13, 0817, 7N 14, तो इन सब का जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो हाफ इंटीजर, मीन्स एटॉमिक मास ऑड तो क्या होगा वो हाफ इंटीजर। लाइक देखो HH1 का 1/2, C13 का 1/2, 0817 का 5/2, 7914 का 1/2, जिसका एटॉमिक मास इवन और एटॉमिक नंबर ऑड, लाइक ड्यूटेरियम 7N14, B510, boron 510, तो इन सब में क्या होगा वो इंटीजर मिलेगा, और जिसका एटॉमिक मास भी इवन, एटॉमिक नंबर भी इवन, लाइक C612, 0816, देखो इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, 0, जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या बताता है, दी नंबर ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, अमाउंट ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, तो उसका वो मिलेगा स्पिन क्वांटम नंबर 0 मिलेगा। यहाँ नीचे की लाइन में जो भी दिख रहे हैं वो सभी न्यूक्लियस क्या है, NMR एक्टिव है, तो इन सब का भी आप NMR कर सकते हो। आपने शायद ये हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पता है, फ्लोरीन के बारे में शायद पता होगा, और देखो फॉस्फरस का भी हो सकता है,
तो ये जो जो भी न्यूक्लियस अभी नीचे दिख रहे उन सब का NMR पॉसिबल है, लेकिन हम वाइडली यूज करते हैं 1H NMR एंड 13C NMR। अब आगे बढ़ते हैं कि जब भी स्पिन क्वांटम नंबर I की वैल्यू जीरो होगी तब कोई भी NMR नहीं मिलेगा। बी क्लियर दैट, ये बात समझ लो कि जिसका एटॉमिक मास भी वन और एटॉमिक नंबर भी वन, उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? जीरो। और वो मोलिक्यूल के कोई भी NMR मिलेंगे नहीं। लाइक हम कभी C6-12 नहीं कहते, क्या बोलते हैं? 13C NMR, बिकॉज 13C NMR, 13C इज NMR एक्टिव बट C6-12 इज इनएक्टिव। तो ये बात कभी भी भूलनी नहीं है कि व्हेन स्पिन क्वांटम नंबर I इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स नो NMR। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ओरिएंटेशन की वैल्यू होती है ओरिएंटेशन इज इक्वल टू व्हाट? 2i+1। मींस I की वैल्यू, हम स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा? ओरिएंटेशन। सपोज फॉर द एग्जांपल हम प्रोटॉन के लिए लेते हैं 1/2, तो 1/2 × 2 दैट मीन्स 1 एंड 1+1 = 2। तो प्रोटॉन के लिए दो ओरिएंटेशन मिलेंगे, एक +1/2 और दूसरा -1/2, और ये कहाँ पे स्प्लिट हो गए? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इधर टू एनर्जी लेवल सो ट्रांजिशन इज अ पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोटॉन और एनी अदर NMR एक्टिव न्यूक्लियस। द रिक्वायर एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन विद द करेक्टेड मैग्नेटिक कोरिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो फंडामेंटल NMR इक्वेशन है, न्यू इज इक्वल टू गैमा B0/2π। यहाँ पे न्यू क्या है? इट इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। गैमा इज अ कॉन्स्टेंट एंड इट इज अ मैग्नेटोगायरोटिक रेशियो, और वी कैन ऑल्सो से गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और प्रोटोन के लिए उसकी वैल्यू है 26750। B0 इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन गॉस। ऑलवेज बी रिमेंबर दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज लेना है और मैग्नेटिक फील्ड का लेना है गॉस लेना है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेट स्लेट जो कि प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें ये इक्वेशन के लेके काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमको ये नहीं बोलना है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी किस यूनिट में आएगी? हर्ट्ज में, और मैग्नेटिक फील्ड आएगा गॉस में। ये रेजोनेंस कंडीशन के लिए एक टेबल दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड 1.4 टेस्ला हो तो उसके गॉस हो गए 14092, और प्रोटॉन के लिए वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी 60 MHz। अगर 2.33 टेस्ला पे जाते हैं तो उसकी गॉस में वैल्यू होगी 23300, और 100 MHz फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? वो रेजोनेंस होगा प्रोटॉन के केस में। देखो ये मैंने बोला था ना अभी क्वेश्चन आ रहा है, तो जून 2016 CSIR UGC नेट में केमिकल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है, इन एन NMR स्पेक्ट्रोमीटर कंटेनिंग 2.5 टेस्ला मैग्नेट लार्मर प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी इज वन फॉर 1H इज 100 MHz। द रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज दिस स्पेक्ट्रोमीटर इन हैज एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 2.5×10⁻⁴ टेस्ला। द ड्यूरेशन ऑफ द 90° पल्स इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज, और चार ऑप्शन दिए। तो देखो पहले क्या दिया है, 2.5 टेस्ला एंड 100 MHz। तो ये टेस्ला का करना पड़ेगा हमको गाउस में, और मेगाहर्ट्ज का करना पड़ेगा हर्ट्ज में। और ये फर्स्ट स्टेज होगा हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशियो फाइंड आउट करने का, और दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड पे क्या ढूंढेंगे हम? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो चलो मैं एक कर भी दिखाता हूँ। देखो ये रहा न्यूमेरिकल, हमको ये इक्वेशन यूज़ करनी है। तो पहला केस में क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन न्यू इज गुड वॉट गैमा B0/2π, उसमें हम सब्जेक्ट बनाएंगे गैमा को, तो हमारी इक्वेशन होगी न्यू 2π/B0। हमें हमारे पास न्यू की वैल्यू कितनी है? 100 MHz। तो 100 MHz को क्या करेंगे? हर्ट्ज में कन्वर्ट, दैट मीन्स 100×10⁶ हर्ट्ज। उसके बाद हमारे पास B0 जिसकी वैल्यू है 2.5 टेस्ला, तो अब 2.5 टेस्ला को कन्वर्ट करेंगे गाउस में, तो वो होगा 2.5×10⁻⁴ गाउस, बिकॉज रिलेशन क्या है कि 1 टेस्ला इज वॉट 10⁴ गाउस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है गैमा की, गैमा हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, न्यू की वैल्यू मिल गई 2π, तो है 2π है, और B0 की वैल्यू रखी तो हमें क्या मिलेगा? गैमा की वैल्यू, और ये रही 25142.86। अब सेकंड केस में आगे क्या करेंगे, अब हमको ये मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करना है विथ दिस गैमा वैल्यू। तो अगेन चलो गैमा की वैल्यू लिख दी हम, B0 की वैल्यू लिख दी, यही इक्वेशन आएगी न्यू इज गुड व्हाट गैमा B0/2π। हमारे पास गैमा है, B0 है, 2π, सिंपली क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमें आंसर मिला कितना,
10,000 हर्ट्ज। लेकिन ये किसके लिए होगा? तो ये हर्ट्ज है, हमें क्या चाहिए अभी देखो, द ड्यूरेशन मीन्स ये सेकंड मीन्स का टाइम मांगा है। तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी वन अपॉन फ्रीक्वेंसी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टाइम मिलेगा। देखो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, वन बाय म्यू। तो वन बाय 10,000 इज इक्वल टू व्हाट, वन इंटू 10^-4 सेकंड। और ये जो पल्स होगा यहाँ पे कितनी पल्स के लिए, 90 डिग्री, लेकिन ये जो पल्स होगा किसके लिए होगा, 360 पल्स। तो हमको 90 के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो हमारा जो भी आंसर आया है 1.0 × 10^-4 सेकंड वो है 360 पल्स के लिए, तो उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर फॉर 90 डिग्री पल्स, और वो आंसर है 25 × 10^-6 सेकंड। ये रहा 25 × 10^-6 सेकंड, तो ये हमारा आंसर 1 आएगा। तो वैसे ही आप अपने न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये दो न्यूमेरिकल बना के रखे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिए कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं दरार और सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ NMR, तो एस्पेक्ट्स ऑफ NMR में 4 एस्पेक्ट है, नंबर ऑफ सिग्नल, पोजिशन ऑफ सिग्नल, पीक एरिया एंड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो वन बाय वन हम सब देखने वाले हैं, तो चलो वन बाय वन पहले देखते हैं नंबर ऑफ सिग्नल। तो नंबर ऑफ सिग्नल टेल्स अस काइंड ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कि कितने टाइप के प्रोटॉन हैं, कितने टाइप के प्रोटॉन हैं वो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ सिग्नल्स में। दो टाइप के प्रोटॉन होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। नेम पर से ही पता चलता है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन में क्या होगा, दे आर विद द सेम एनवायरनमेंट, और नॉन इक्विवेलेंट में क्या होगा, दे आर विद द डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो यहाँ पे देखो ये दो कार्बन के साथ जो भी प्रोटॉन है उनका एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है। तो ए और ये ए दोनों कैसे हो गए, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, लेकिन बी का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे पास कितने सिग्नल्स मिलेंगे, इन दो ए के लिए एक सिग्नल मिलेगी और बी के लिए एक डिफरेंट सिग्नल मिलेगी, यानी कि इस कंपाउंड के टोटल दो सिग्नल्स मिलेगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर दिस, ये कंपाउंड है क्लोरोप्रोपेन, तीन कार्बन है, ये वन क्लोरीन पर है, तो तीनों तीन की पोजीशन क्या है, तीनों तीन का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो हर एक के लिए इंडिविजुअल सिग्नल मिलेगी, तो तीन सिग्नल मिलेगी। यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ से बीच में से बाइसेक्ट करें तो ये दोनों का सेम एनवायरनमेंट है और इन दोनों का भी सेम एनवायरनमेंट, तो इन दोनों की एक सिग्नल मिलेगी और एक सिग्नल इन दोनों की, तो इस कंपाउंड के टोटल दो सिग्नल मिलेगी। यहाँ बात करें तो देखो इस ब्रोमीन की वजह से सबका एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो टोटल कितनी सिग्नल मिलेगी, 1, 2 and 3। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये सेम टू सेम है, ब्रोमीन को रिप्लेस किया क्लोरीन से, तो अगेन कितने सिग्नल, 1, 2 और 3। नाउ दिस इज ट्राइसाइक्लिक, देखो कि साइक्लिक कंपाउंड, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ देखो ये CH3 और ये H बराबर, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम होगा, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम होगा, इसका क्या होगा, डिफरेंट, और इसका भी डिफरेंट, तो इसकी एक सिग्नल, इसकी दूसरी सिग्नल, ये वाले की, इन दोनों की तीसरी और इन दोनों की फोर्थ, बराबर, तो इस कंपाउंड के टोटल 4 सिग्नल मिलेगी। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम, यहाँ से इसका सेम, यहाँ से इसका सेम, यहाँ से इसका सेम, तो ये दोनों सेम हुए और ये दोनों भी सेम हुए, ये दोनों देखो यहाँ से एनवायरनमेंट सेम, यहाँ से भी एनवायरनमेंट सेम, तो यानी यहाँ से और इस नीचे वाले प्रोटॉन से दोनों सेम, इन दोनों का भी डिस्टेंस सेम है और इन दोनों का भी सेम है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हुए, ये भी इक्विवेलेंट हुए, ये दो नॉन इक्विवेलेंट है, ये सब भी क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, कंपेयर टू टू डी और बी नॉन इक्विवेलेंट, ये सब नॉन इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी देखो ये CH3 का एनवायरनमेंट इससे डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है और इससे भी डिफरेंट है, तो ये सब क्या हुआ, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो सिग्नल कितनी है, 1, 2, 3 and 4, देखो इसकी 4 सिग्नल है। यहाँ पे बात करें तो देखो इस कंपाउंड को देखो, तो ये CH3 और ये CH3 यहाँ से बीच में से बाइसेक्ट कर सकते हैं ना, तो देखो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या हुआ, सेम हुआ, यहाँ पे कोई प्रोटॉन होगा ही नहीं तो यहाँ की सिग्नल नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे जो दो प्रोटॉन हो गए उसका एनवायरनमेंट क्या है, सेम, डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ का
सबका डिस्टेंस, ये दोनों इक्विवेलेंट, ये दोनों भी इक्विवेलेंट, पर ये इसके साथ भी इक्विवेलेंट है। मीन्स 1, 2, 3, 4 इन चारों की सिग्नल क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी। तो इन चार एरोमेटिक प्रोटॉन की एक ही सिग्नल और इन दोनों मिथाइल की भी एक ही सिग्नल, तो टोटल कितनी सिग्नल मिलेगी, 2 सिग्नल्स। अगर बेंजीन की बात करें तो सारे प्रोटॉन सेम ही है, तो हमें क्या मिलेगी, सब इक्विवेलेंट प्रोटॉन है एनवायरमेंट से में, तो सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगी। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे, तो आप इन सब का भी ट्राई कीजिए कि इन सब में कितनी सिग्नल्स आएगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके आप फाइंड आउट कीजिए कि क्या हो सकता है इन सब के सिग्नल्स, और कमेंट में लिखे भी सही कि लास्ट में जो CSIR नेट का क्वेश्चंस के जैसे मैंने लिखे थे उसका भी और इसका भी आंसर क्या क्या आता है। देखो अब बात करें कि केमिकल शिफ्ट की, पहला एस्पेक्ट हुआ नंबर ऑफ सिग्नल, तो उससे क्या पता चलेगा कि कितने टाइम के हमारे प्रोटॉन हैं वो, और केमिकल शिफ्ट में यह पता चलेगा कि इट टेल्स अस के प्रोटॉन कैसे है, बराबर, मीन्स के व्हाट काइंड ऑफ प्रोटॉन, लाइक प्रोटॉन एरोमेटिक हो सकते हैं, एलिफैटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बेंजैलिक, विनाइलिक, एसिटाइलेनिक और एडजेसेंट टू हैलोजन और हेटेरोएटम। तो वो क्या बताएगा नेचर उसका क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल बताएगा कि प्रोटॉन कितने हैं और केमिकल शिफ्ट बताएगी कि कैसे प्रोटॉन है। तो केमिकल शिफ्ट क्यों ऑब्जर्व होती है, तो दो फिनोमेना है, एक है शील्डिंग और दूसरा है डीशील्डिंग। अब दोनों समझाता हूँ। तो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है या कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, तो वो क्या जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अराउंड इट, बराबर, और वो मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलेंगे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किसका हुआ, हमारा न्यूक्लियस का हुआ, जो चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर वो घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो अप्लाइड होगा, जो हम इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई कर रहे हैं बाहर से। तो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, देखिए अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो प्रोटॉन कैसा होगा, शील्ड होगा, और शील्ड प्रोटॉन को रेजोनेंस के लिए हायर एनर्जी रिक्वायर्ड है, बराबर, तो वो जा गया अपफील्ड एब्सॉर्प्शन में। मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, जरा समझ में आए तो पहले ये बात समझ लो कि व्हेन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज द अप्लाइड फील्ड, तब वो प्रोटॉन होगा शील्डेड, और शील्डेड प्रोटॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए रेजोनेंस के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, अपफील्ड में, उसके अपोजिट में। जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स, मीन्स वो सपोर्ट करता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो वो रेनफोर्स करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, तब प्रोटॉन क्या होगा, डीशील्ड होगा, और डीशील्ड प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, डाउनफील्ड में, डाउनफील्ड में, क्योंकि इट रिक्वायर्स लोअर अप्लाइड फील्ड। तो याद कैसे रखेंगे, तो हम बहुत इजी वे से याद रखने का कि शील्डिंग के लिए ये रखेंगे माइनस एस, माइनस मीन्स अपोज, एस मीन्स शील्ड, और वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, अपफील्ड में, जो सपोर्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्लस, वो प्रोटॉन क्या होगा, डीशील्डिंग मीन्स डी, और कहाँ पर जाएगा, डाउनफील्ड में। तो हमको यही याद रखना है कि माइनस एस यू और प्लस डी, माइनस मीन्स अपोज, प्लस मीन्स रेनफोर्स और सपोर्ट, शील्डिंग एस मीन्स शील्डिंग, डी मीन्स डीशील्डिंग, यू मीन्स अपफील्ड एंड डी मीन्स डाउनफील्ड। तो चलो पहले अपफील्ड डाउनफील्ड क्या है देखते हैं। ये NMR है, तो मेरे रिसर्च का ही NMR है, तो मैं डायरेक्ट वही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 से NMR स्टार्ट होता है और जा रहा है 13 पे। तो देखो ये जो वैल्यू है ना राइट साइड की, मीन्स के बिलो हम 5 की बात करें, तो ये रेंज होती है अपफील्ड की रेंज, और ये जो बिलो अबो 5 से जो 13 तक यहाँ पे जा रहे हैं वो रेंज होती है डाउनफील्ड। तो जैसे हमने बोला कि जो अपोज कर रहा है, बराबर, और उसको शील्डेड प्रोटॉन बोलते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, अपफील्ड में। तो ये जो दिख रहे हैं ना वो सब प्रोटॉन कैसे हैं, शील्डेड प्रोटॉन, जो जा रहे हैं अपफील्ड में, और जो सपोर्ट कर रहा है वो डाउन डीशील्ड होगा और कहाँ जाएगा, डाउनफील्ड में। तो ये जो दिख रहे हैं वो जो प्रोटॉन कैसे है, डाउनफील्ड। एक दूसरी भी बात, जो यहाँ पे नीचे जो नंबर्स दिख रहे हैं ना वो क्या बता रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो वो सिग्नल के अकॉर्डिंग टू ये इंटीग्रेशन करके बताया होता है। और ऊपर जो दिख रहा है ना उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, जो ये अभी हाईलाइट शायद हो रहा है, दिख रहा है ये जहाँ पॉइंटर घूम रहा है वो क्या है, केमिकल शिफ्ट। और जो नीचे दिख रहा है वो क्या है, इंटीग्रेशन की वैल्यू, मीन्स के वो बताता है कि देखो यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, यहाँ पे 5 है, वो तो आपको लेटर वन सब वन बाय वन वीडियो में बताऊँगा, इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए। तो
तो देखो, अगर याद रखना है कि अपफील्ड डाउनफील्ड में लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो एक पिलर इमेजिन कीजिए, और पिलर है ऊपर से 1 से लिखा हुआ है और नीचे आता है 10 तक। तो अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो वो क्या होगा, डाउनफील्ड, मींस जो 1 है 2 है 3 है वो क्या होगा, अपफील्ड। और 8 9 10 वो नीचे आएगा इसको क्या बोलेंगे, डाउनफील्ड। ऊपर जा रहे हैं तो जैसे 10 9 वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो देखो यहाँ पे भी क्या होता है, वैल्यू कम ही होती है ना, बेरा 5 4 6 3 2 1, तो ये क्या होगा, अपफील्ड। और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डाउनफील्ड, डाउनफील्ड में वैल्यू बढ़ेगी, अपफील्ड में वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बराबर। ये हमको याद रखना है। अब ये समझा रहा हूँ मैं इसके बारे में कि इंड्यूस मैग्नेटिक, देखो ये बेंजीन ड्रॉ किया है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो देखो ये बाहर, ये प्रोटॉन बाहर साइड है, तो ये फील्ड और ये फील्ड दोनों क्या दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटॉन क्या हुआ, प्लस सपोर्ट, डी मीन्स डिशील्ड, तो कहाँ गया है वो, डाउन फील्ड में। तो देखो इसकी वैल्यू 7.27 है। ये एसेटिलीन की बात करें तो इंड्यूस में ये फील्ड लाइन देखो अंदर जा रही है, तो ये दोनों प्रोटॉन कहाँ है, इस लाइन के अंदर ही जा रहे हैं, मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन पे है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपोज करेंगे मीन्स माइनस। तो वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, शील्ड होगा, और वो कहाँ जाएगा, अप फील्ड में जाएगा। ओके, तो देखो यही समझाया है दोनों स्ट्रक्चर से। ये है 18 एनुलिन। 18 एनुलिन केस में क्या होता है, दो टाइप के प्रोटॉन होते हैं, आउटर और इनर। तो देखो आउटर प्रोटॉन क्या होते हैं, 9.3, और इनर प्रोटॉन होते हैं -3.0। तब ये क्यों होता है वो समझते हैं चलो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जनरेशन दिखा रहा हूँ कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ऐसे बाहर से वो ऊपर जाएगा और अंदर से क्या आएगा, बीच में से अंदर आएगा, तो ऐसे घूमता होगा, दोनों साइड पे ऐसे घूमता है, देखो जैसे ब्लिंक हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अब देखते हैं कि इंडिविजुअल प्रोटॉन पे क्या इफेक्ट होती है। तो बाहर के प्रोटॉन के केस में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप है, बराबर। देखो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो अप है, तो वो उसको रेनफोर्स करेगा, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप है उसको सपोर्ट करेगा, तो वो प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, ऑफकोर्स डाउनफील्ड में जाएंगे, डिशील्ड हो गया तो डाउनफील्ड है, तो उसकी वैल्यू दिख रही है 9.3। लेकिन जो इनर प्रोटॉन है, देखो ये इनर, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है और ये फील्ड ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों फील्ड क्या कर रहे हैं, दूसरे को ऑफकोर्स अपोज भी कर रहे हैं, तो अपोज करें तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये इनर साइड के जो भी प्रोटॉन है कैसा होगा, शील्डेड हो गए, तो वो कहाँ जाएगा, अप फील्ड में। और ये इतने शील्डेड प्रोटॉन है कि जो TMS टेट्रा मिथाइल सिलेन, जो सिलेन जो रेफरेंस लेते हैं जिससे जीरो वैल्यू डिसाइड होती है, उससे भी क्या गए, ये माइनस में गए। TMS की वैल्यू जीरो होती है लेकिन इससे भी ज़्यादा शील्डेड हुए, मीन्स इसकी वैल्यू -3 हुई, और ये क्या गए, आउटर प्रोटॉन डीशील्डेड हुए, डाउन फील्ड में गए, तो उसकी वैल्यू 9.3 मिली। ये याद रखना है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं कि मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट, तो उसके लिए कोई रेफरेंस चाहिए, जैसे रेस स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या है, TMS मीन्स टेट्रा मिथाइल सिलेन यूज़ करते हैं, और उसका यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज़ इनर्ट, इक्विवेलेंट ऑफ प्रोटॉन है, ये वॉलेटाइल है 27 डिग्री पे, सॉल्युबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यूज्ड एज अ एक्सटर्नल रेफरेंस व्हेन सॉल्वेंट्स आर सैंपल्स आर कैन इन D2O, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सिलिकॉन की, सो मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन है, तो उससे शील्ड कुछ भी नहीं है सिवाय 18 एनुलिन, बराबर। तो जो भी हम NMR स्कैन करेंगे उससे बाकी प्रोटॉन क्या होगा, शील्डेड, डीशील्डेड हो गए, तो ऊपर ही जाएंगे, डाउनफील्ड में ही जाएंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये रेफरेंस है 1H NMR के लिए TMS, 13C के लिए TMS, 19F के लिए दिए, 13P के लिए, 2D के लिए मीन्स ड्यूटेरियम के लिए, 49 सिलिकॉन एंड 119 SN10 के लिए। तो ये सब है आपके रेफरेंस के लिए, कभी कई कोई एग्जाम में पूछे तो आप ये बता सकते हो। नाउ केमिकल शिफ्ट आर एक्सप्रेस इन द PPM मीट्स पार्ट्स पर मिलियन। हर बार 10^6 लेना ठीक नहीं रहता, इसलिए क्या उसको 1 MHz लेते हैं, और क्या करते हैं, डेल्टा वैल्यू मीन्स ऑब्जर्व शिफ्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी टू 10^16। तो वो जो बड़ा सा नंबर था वो डिवाइड हो गया अभी नंबर में 1 to 15 या 1 to 16 में, तो NMR में वही वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन फ्रिक्वेंसीज दी है,
देखो साइक्लोप्रोपेन 0.2 पे एब्सॉर्ब होता है, प्राइमरी मिथाइल हो CA3 तो 0.9 पे, सेकेंडरी 1.3 पे। तो यहाँ पे देखो सब कंपाउंड के लिए आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेके या ऐसा कुछ भी करके इसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसमें प्रिडिक्शन नहीं है, ये वैल्यू दी ही गई है तो हमको उसको याद रखनी है कि इतने की वैल्यू इतनी होती है, राइट। लाइक अल्कोहल का बोला है ROH की फ्रीक्वेंसी, ये जो OH है बराबर, यहाँ का ये वाला OH की बात कर रहा हूँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपसे होगी 3.424। यहाँ पे जो डार्क आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये जो है ना उसकी हम बात करें, ग्रुप की बात नहीं कर रहे। ये जनरल डायग्राम है कि एलिफैटिक कितने तक एब्सॉर्ब हो गए, तो 0 to 22, लेकिन वो कभी 4 तक भी होते हैं। देखो बीटा सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक अल्काइन की वैल्यू यहाँ पे बीच में बताई है, बराबर। डाई सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक अल्कीन एरोमेटिक की वैल्यू देखो 6 to 9 में, फिर एल्डिहाइड की 9 to 10 में। तो ये सब जनरलाइज वैल्यू है, इससे कभी आपकी थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, तो NMR के लिए क्या देखना है कि जो नियर बाय प्रोटोन है, देखो हम इसकी बात करें तो ये कितनी सिग्नल देगा, तो नियर बाय में कितने हैं, 2 है तो 2+1, तो ये क्या देगा, ये 8 ट्रिपलेट देगा। इसके नियर बाय कौन है, यहाँ तो ब्रोमीन है तो वो सिग्नल नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 प्रोटोन, तो 3+1 क्वार्टेट, तो इसका मिलेगा ट्रिपलेट, इसका मिलेगा क्वार्टेट। हमको N+1 याद रखना है, नियर बाय +1। इसके नियर बाय पे देखो ऑनली क्या है, CH है, तो ये क्या सिग्नल देगा, 1+1 तो डबलेट। इसके नियर बाय क्या है, 3, तो 3+1 क्वार्टेट, 4 मतलब क्वार्टेट, 2 तो डबलेट, 3 तो ट्रिपलेट। यहाँ पर देखो CH2Br, तो इसके नियर बाय 1 प्रोटोन है तो ये डबलेट देगा, और इसके नियर बाय 2 है तो ये क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। ये N+1 स्प्लिटिंग का है, तो वो मैं बताता हूँ कि स्प्लिटिंग कैसे होता है। देखो CH2 है तो उसका अरेंजमेंट कैसे हो गया, 1 जम 2 जम 1, ये 1 एक दोनों नीचे हो सकते हैं या दोनों ऊपर उसका, लेकिन एक ऊपर एक नीचे या ये ऊपर ये नीचे, तो पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हुए, 3 हुए, बराबर। तो ये ज़्यादा प्रॉबेबल है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 2 होगी, और इन दोनों की 1-1 होगी। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये बनाया है, तो देखो सिंगलेट कब होगा, जब नियर बाय कुछ भी नहीं होगा, तो 1 ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, तो उसके लिए वो सिंगलेट मिलेगी, तो सिंगलेट सिग्नल ऐसी होगी, उसके लिए एक ही होगा। डबलेट में 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो गए, तो वो ओरिएंटेशन में क्या होगा, आइधर एक अपवर्ड या एक डाउनवर्ड, दोनों की इंटेंसिटी क्या हो सकती है, सेम होगी, प्रॉबेबिलिटी सेम। देखो तो ये क्या होगा, डबलेट। ट्रिपलेट के केस में क्या होगा, तो नियर बाय 2 प्रोटोन हो गए, नियर बाय 2 प्रोटोन हो गए तो दोनों शायद की अप हो गए या दोनों डाउन हो गए, या एक अप एक डाउन, तो ये एक अप एक डाउन की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्वार्टेट में 3 प्रोटोन हो गए नियर बाय, तो उसमें क्या होगा, तीनों शायद अप या तीनों डाउन, 2 अप एक डाउन, 1 अप 2 डाउन, तो उसमें क्वार्टेट की ये पैटर्न है। वैसे हम क्विंटेट में देखो 4 प्रोटोन नियर बाय हो गए, तो क्या होगा, चारों चार अप या चारों चार डाउन, 3 अप एक डाउन, 2 अप 2 डाउन, 1 अप 3 डाउन, तो ये क्विंटेट हुआ। ऐसे मल्टीप्लेट देखो, ये मल्टीप्लेट सेक्सेट है बराबर, वैसे हम अलग अलग ये दिखाए मैंने, मल्टीप्लेट से ये भी दिया है, तो ये सब अरेंजमेंट है, आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है ना। उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसके लिए पास्कल्स ट्रायंगल आता है, और पास्कल्स ट्रायंगल दिखाता है इंटेंसिटी। देखो ये 1 हो तो इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, सेम होगी 1-1, 3 होगी तो 1 जम 2 जम 1, ये ट्रिपलेट की, ये क्वार्टेट की, ये क्विंटेट की, तो अकॉर्डिंग टू दैट देखो 1-1 के ये डबलेट की इंटेंसिटी दोनों सेम होनी चाहिए, ट्रिपलेट की ऐसी होनी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो डबलेट की इंटेंसिटी ऐसी मिलती है, ट्रिपलेट ऐसे होने चाहिए लेकिन ऐसे मिलते हैं, क्विंटेट क्वार्टेट ऐसे होने चाहिए लेकिन ऐसे मिलते हैं, तो ये बताया है इस डायग्राम में रिलेटिव इंटेंसिटी के। देखो ये कुछ NMR है, ये है 1-2 डाइब्रोमो मीथेन का, सॉरी इथेन का, नीचे है 1-1 डाइब्रोमो इथेन का, देख सकते हैं आप बराबर, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ। ये क्या दिख रहा है, देखो आपको डबलेट दिख रहा है, ये इसके लिए है, और ये बी वाला ट्रिपलेट इसके लिए है। सेम हियर देखो, ए वाली सिग्नल CH3 की यहाँ पे क्या मिली, डबलेट, बिकॉज नियर बाय 1 प्रोटोन है और इसके नियर बाय 3 प्रोटोन है, तो इसकी क्वार्टेट यहाँ मिली इस CH की। ये भी आप शांति से देख लीजिए, इथाइल क्लोराइड का है CDCl3 में, ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म में, ये इथाइल एसीटेट का है, इसको भी आप स्टडी कीजिए, समझिए कैसे गया है, ओके।
देखो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का दिया है तो उसमें कैसे वो स्प्लिटिंग होता है। तो देखो ये CH3CH2OH, तो CH3 है तो वो क्या देगा, ट्रिपलेट देगा, तो ये ट्रिपलेट रहा। ये CH2 के नियर बाय CH3 है और इसकी इफेक्ट भी आएगी OH की, तो 3+1 4 और 4+1 क्विंटेट यानी मल्टीप्लेट जैसा मिल रहा है। ये OH के नियर बाय 2 प्रोटोन है तो क्या देगा, 2+1 ट्रिपलेट दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप, ये OH के नियर बाय 1 प्रोटोन है तो वो क्या देगा, डबलेट। ये दोनों सेम है बरा, CH3 नियर बाय क्या है, 1 प्रोटोन, तो वो क्या हो देगा, 1+1 डबलेट। और इसके लिए 2 CH3 3 और 3 6 प्रोटोन है तो 6+1 7, तो ये देखो सेप्टेट जैसा मल्टीप्लेट दिख रहा है। यहाँ पे तीनों तीन प्रोटोन सेम है, नियर बाय कुछ भी नहीं है, तो इन तीनों तीन की क्या मिलेगी, सिंगलेट। और इसके नियर बाय भी प्रोटोन नहीं है तो इसकी क्या मिलेगी, सिंगलेट। तो ऐसे डिस्टिंग्विश होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। हम उसके बाद कपलिंग भी पढ़ेंगे, कपलिंग में क्या होता है, तो डेल्टा म्यू बाय जे को क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। कपलिंग वेरियस टाइप के आते हैं, सीस, ट्रांस, जेमिनल, विसिनल, एलालिक, विनालिक, बरा। तो देखो सीस कन्फर्मर में क्या है, ये देखो अगर ऐसे हो गए गॉज कन्फर्मर तो कपलिंग कॉन्स्टेंट होगा 2-6 हर्ट्स। एंटी में हो गए तो 5-14 हर्ट्स। ट्रांस कपलिंग में होता है 10-21। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे लगे हुए दो प्रोटोन का कपलिंग, तो उधर 0-7। विनालिक में होता है 2-13। तो देखो जैसे जैसे हम डेल्टा म्यू बाई जे की वैल्यू बढ़ती है वैसे ये वेल सेपरेट सिग्नल, यहाँ पे देखो क्या लग रहा था, क्वार्टेट, लेकिन यहाँ पे दिखा तो दो डबलेट सेपरेट हुए। तो जब भी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की, तो हमको वो प्रोटॉन प्रॉपर वेल रिजॉल्व दिखते, वरना कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे देखो वेरियस कपलिंग कांस्टेंट लिए है सबके, जेमिनल होगा तो कितनी वैल्यू है, 10-18 डिपेंडिंग अपॉन द, देखो ये डिपेंड करता है, ये विसिनल कपलिंग में इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द डायहेड्रल एंगल। यहाँ पे वैल्यू देखिए 1-4 जेमिनल की, डबल बॉन्ड होगा तब कैसा होगा, बराबर। एरोमेटिक के लिए ऑर्थो मेटा पैरा पर ऑर्थो कपलिंग होगा तो 7-10, मेटा पे 2-3 और पैरा पे 0-1। तो ये सब कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। अगर आप चाहते, ये वीडियो काफ़ी अभी तो लंबा हो गया है, तो अगर आप चाहते मैं अभी आगे और कंटिन्यू करूं तो मुझे बताइए नीचे चैनल में, वो वीडियो में नीचे जाके आप क्या कीजिए, कमेंट में लिखिए कि अभी वो हम आप आगे सीखना चाहते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैं एटलीस्ट 100 लाइक्स तो चाहता हूँ इस वीडियो पर, उसके बाद में उसका ये सेकंड पार्ट बनाऊंगा। और ये भी बात बता दूं कि सेकंड पार्ट में क्या क्या आएगा, तो देखो रिमेनिंग टॉपिक में भी है हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट, जिसमें आएगा जेमिनल कपलिंग, उसको 2J बोलते हैं, विसिनल कपलिंग 3J, उसमें कार प्लस कर्व के बारे में पढ़ना आएगा, फिर लॉन्ग रेंज कपलिंग आएगा, उसमें एलालिक और विनालिक कपलिंग आएगा, W कपलिंग आएगा, फिर रहा है रिलैक्सेशन प्रोसेस, फिर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑफ NMR, उसकी 4 मेथड है लाइक इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, यूज ऑफ शिफ्ट रिएजेंट, डबल रेजोनेंस, प्रोटॉन एक्सचेंज एंड D2 एक्सचेंज। उसके बाद आएगा केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंस आएगा, रोटेशन अलॉन्ग द सिमेट्री ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंस एंड रैपिड रोटेशन इन DMF। उसके बाद भी आएगा हमारा केमिकल शिफ्ट एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेसिडुअल प्रोटॉन एंड कमर्शियल ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट, केमिकल शिफ्ट ऑफ डिजॉल्व वाटर इन ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट, और लास्ट में आएगा कैलकुलेशन ऑफ कपलिंग कांस्टेंट विथ एग्जांपल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रिमेनिंग टॉपिक में वीडियो बनाओ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मिनिमम 100 लाइक्स तो इस मेहनत के लिए दे ही दीजिए। आपके सपोर्ट में मैं हमेशा रहूँगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट लिख दीजिए। ओके, थैंक्स, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए माई स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन बटन पे नई अपडेट्स पाने के लिए।